भाई दाम पुश्ता खाली करें। क्या हम इस वक्त मैं यहाँ पे जीपीओ चौक में खड़ी हूँ। जैसा कि आप लोग सबको पता है कि ज़हीर बलोच को गुज़श्ता 10 दिनों से जो है ना ज़हीर बलोच की बाजियाबी के लिए एक धरना चल रहा था सरयाब रोड पे। पूरा मन मुजाहिरों पर इस तरह आंसू गैस शेलिंग की जा रही है, जिससे हमारे मुतहद मुजाहिरीन जख्मी हुए हैं। औरतों को जेलों में घसीट कर लेकर जाया गया है, जिनके प्यारे अभी तक बाजियाब नहीं हुए हैं। ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है, मुसलसल तौर पर हम इस जगह में बैठे आगे जा भी नहीं रहे, लेकिन मुसलसल तौर पर पुलिस जो है ना आंसू गैस फायरिंग कर रही है, औरतों पर तशद्दुद कर रही है। मैं तमाम इंसानी हुकूक के अदारों से अपील करती हूँ कि वो इस जबर और तशद्दुद के खिलाफ आवाज उठाएं, और क्वेटा के बाशऊर आवाम से अपील करती हूँ कि वो यहाँ आकर फौरन अपने आप को यहाँ पहुँचाए। और इस दौरान अगर किसी को भी कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदारी बलूचिस्तान हुकूमत की होगी, क्वेटा पुलिस की होगी। जिन प्यारों को आपने अगवा किया है उनको आए और पहुँचाए, आप अपना कानून जो है ना नाफिज करें। यहाँ पे सबसे पहले उन लोगों को आपने अगवा किया है उनके प्यारों को आए और बाजियाब कराए। देखिए मेरे पीछे अभी भी मुसलसल पुलिस जो है ना आंसू गैस शेलिंग कर रही है, जिससे यहाँ पे मुसलसल मुजाहिरीन जख्मी हो चुके हैं, और कुछ औरतों का हमें पता नहीं है कि वो किस हाल में है, किस थाने में है। मैं आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि अभी के अभी क्वेटा में यहाँ पे जीपीओ चौक में खुद को पहुँचाए। शुक्रिया।
भेज दे रहे थे मुझे लाइव का पेर कर वीडियो का पेर वीडियो भेज दे साला भाई सर फिनिश मेहरबान बरे जिराम सफल धान्याडी पाद्रम बस यार दानी हो भाई बिस्मिल्लाह यार ऐसे दिन होता चलो अरे फदी ए ए फदी बाबा ले आओ फदी बाबा फदी फदी वापस कैसे बुता पति बाबू यार डायरेक्टर सदै ही कौन डायरेक्टर फिलहाल मका फिलहाल